जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं आप अपने हैंडराइटिंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका भी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बनता है और आप अगर इस वीडियो पर आए हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि एक एक तरीका जिसमें हम बताएंगे ये पूरा रियल तरीका है। अगर आप इस तरह से करते हैं पूरे 15 दिन, तो आप समझ लीजिए आपका हैंडराइटिंग अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। मेरे भाई, आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, आपका हैंडराइटिंग नहीं बन रहा है। और देखिए, हैंडराइटिंग का असर जो है ना, हर एक इंसान पर पड़ता है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको फायदा मिलेगा, अगर अच्छा हैंडराइटिंग रहेगा तो बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है, खूब अच्छा नंबर मिलेगा। चाहे आपका इंग्लिश का राइटिंग हो चाहे हिंदी का राइटिंग हो, दोनों के बारे में आज हम पूरे खुलकर पूरे ओपनली बताने वाले हैं कि जो सही तरीका है, जो फैक्ट है, वो क्या है, ठीक है, और किस तरह से आप लोग अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे भाई, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट किए थे कि गुरुजी बताइए कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा रामबाण तरीका बताइए जैसे मेरा हैंडराइटिंग बढ़िया लगे, दिखने में सुंदर लगे, कोई देखे तो फिर वो हमें बोले कि भाई बहुत बढ़िया हैंडराइटिंग है। और आपको बता दें कि एग्जाम में आपका बहुत अच्छा नंबर आता है अगर हैंडराइटिंग अच्छा रहता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, और एक एक चीज को पहले हम लोग समझ लेते हैं। मेरे भाई, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है कि लिखावट को आप कैसे सुधार सकते हैं। मेरे भाई, लिखावट को जो है ना, आप लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीके हैं, अगर ये जान लेते हैं तो बढ़िया राइटिंग बनेगा, ठीक है। मेरे भाई, एकदम देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बिफोर टाइम, ये पहले का हैंडराइटिंग है, ठीक है। ऊपर में आप देख रहे हैं, ये पहले का हैंडराइटिंग है, ठीक है। और उसके बाद जो 15 दिन के बाद आप ट्राई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका हैंडराइटिंग बनेगा। देखिए, इसमें आपको करना क्या होगा वो सारा चीज़ हम लोग आगे समझेंगे। इसमें कंप्लीट हम लोग आपको जो है 10 एकदम तरीका समझाने वाले हैं। अगर ये 10 तरीका आप लोग समझ लेते हैं तो भाई सच बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आपका हैंडराइटिंग बनेगा, ठीक है, अगर आप लोग उतना करते हैं तो, ठीक है। तो भाई, जल्दी से ये 10 तरीका जान लीजिए कि आखिर ये 10 तरीका क्या है। और ये तरीका जान लेंगे ना, ये शानदार तरीका समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए, खतरनाक हैंडराइटिंग बनेगा भाई, सच बता रहे हैं। और हैंडराइटिंग अगर अच्छा रहता है ना तो कॉपी दिखने में इतना सुंदर लगता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, चलिए, आपके मन में भी सवाल आता होगा कि गुरु जी क्या होगा, जल्दी से बताइए। मेरे भाई देखिए, ये चीज़ आपको कम से कम जो है ना 15 दिन ट्राई करना होगा। ये चीज़ जो है मेरे भाई, कम से कम आपको 15 दिन ट्राई करना होगा। कितना दिन मेरे भाई? 15 दिन आपको ट्राई करना होगा। अगर आप ये निरंतर एकदम लगातार 15 दिन तक कंटिन्यू आपने कोशिश कर लिया तो आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हैंडराइटिंग सुंदर होने लगेगी 15 दिन अगर आप लोग इस तरह से, जिस तरह से आज हम आपको बताएंगे, अगर 15 दिन अगर आप लोग इस तरह से ट्राई करते हैं तो मेरे भाई आपका जो हैंडराइटिंग है बहुत सुंदर लगेगा, बढ़िया बनने लगेगा, जिस तरह से आप लोग चाहते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ट्रिक आज आपको हम समझाने वाले हैं, बेस्ट ट्रिक कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए या जो फैक्ट है, जो तरीका है वो कह लीजिए, मेरे भाई बहुत सुंदर आपका हैंडराइटिंग बनेगा, ठीक है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई मैटर नहीं करता, हैंडराइटिंग तो सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना, आपको भी पता है। तो मेरे भाई चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा देखिए यहाँ पर सबसे पहला एक पॉइंट भी हम इसलिए बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। मेरे भाई, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि रोजाना लिखने की प्रैक्टिस करें। मेरे भाई, आपको बता दें कि अगर आपका हैंडराइटिंग सही नहीं है, अच्छा नहीं बनता है, कोई देखता है तो वो बोलता है कि भाई बिल्कुल बकवास है, तो आपको बता दें आपको हैंडराइटिंग सुधारना होगा। और ये जो तरीका समझा रहे हैं, ये पूरे तरीका निरंतर 15 दिन तक करना होगा। क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हैंडराइटिंग बनेगा, इस बात का गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। मेरे भाई, प्रैक्टिस, बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है तो भाई सुंदर बनाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो करने के लिए देखिए, पहला आपका पॉइंट में आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, कॉपी लिखें। अब कॉपी कहेंगे, गुरु जी हम 10-10 कॉपी लिखते हैं, नहीं बनता है। चलिए, उसके बाद आगे और तरीका दिया गया है। प्रैक्टिस में आप 2 से 3 पेज हमेशा कोशिश करें कि 2 से 3 पेज कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए। कोई भी टॉपिक, कुछ भी उठा लीजिए, हिंदी का, इंग्लिश का, देख देख कर आपको लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड में कहता है, आरामदायक पेन या पेंसिल चुनें। मेरे भाई देखिए, मार्केट में बहुत सारे पेन हैं, अनेकों प्रकार के पेन हैं, अलग अलग कंपनी के हैं। हाँ, आपको जिस पेन से लिखने में कंफर्टेबल लगता है, अच्छा महसूस होता है, जिसमें आपका ग्रिप अच्छा बैठता हो, ठीक है, जैसे हाथ से पकड़ते हैं, मान लीजिए ये पेन है, तो इसका ग्रिप अगर अच्छा है, आप उसी पेन को सेलेक्ट करें। शुरुआत में आपको ऐसा ही करना होगा, उसके बाद जब हैंडराइटिंग बनना शुरू हो जाएगा तो आप किसी भी पेन से जो है ना, एकदम कहीं पर भी फाड़ दीजिएगा, एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में, ठीक ना। तो मेरे भाई, आप अपने अकॉर्डिंग एक पेन और पेंसिल सेलेक्ट कर ले,
जो जिससे आप लोगों को लिखने में कंफर्टेबल महसूस हो, एकदम आरामदायक हो, ठीक है, आपको परेशानी ना हो कि मान लीजिए इधर से पकड़ रहे हैं तो इधर से पेन निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक एक पॉइंट को समझिए। तीसरा पॉइंट है कि पेन को जो है ना बहुत कसकर नहीं पकड़ना है। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, पेन को बहुत दबाकर पकड़ते हैं। मेरे भाई, पेन को दबाकर पकड़ने से आपका हाथ दर्द करने लगेगा और उसे हैंडराइटिंग नहीं बनेगा। पेन को जब भी पकड़े तो इस प्रकार से पकड़े और एकदम नॉर्मल में पकड़ना है, ज्यादा दबाना नहीं है। दबाना दबाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हाथ दर्द करना शुरू हो गया तो फिर आपका लेटर जो है अच्छा नहीं बनेगा, अक्षर आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो आप हल्का से पकड़ा मतलब पकड़ लें, ठीक है, हल्का से जो है ना पेन को पकड़े और फिर से चलाना शुरू करें, तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और हाथ में जो है दर्द नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया मेरे भाई। अगला पॉइंट नंबर फोर क्या है, लिखने की जो है ना रफ्तार कम करें। बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में जब लिखते हैं तो लिखते ही चले जाते हैं फास्ट में। मेरे भाई, थोड़ा स्पीड को कम करना होगा। हैंडराइटिंग अगर अच्छा करना है तो इसके लिए आप अपनी स्पीड को पहले कम करें। शुरुआत में आपको थोड़ा सा कम कम लिखना है। अगर एक बार पकड़ में आ गया, सारा चीज आपके माइंड में सेट हो गया कि अक्षर इतना से इतना लिखना है, ठीक है, तो फिर आप बाद में जो है ना, जैसे आपका हैंडराइटिंग सुधार हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग बढ़िया से लिख सकते हैं। जितना स्पीड लिखना है लिख लीजिए। हाँ, ये चीज़ तो है, आपको भी पता होगा कि भाई जिस तरह से बाइक में स्पीड चलाने से नुकसान होता है, उसी तरह से अगर लिखते हैं तो लिखते वक्त स्पीड में लिखेंगे तो जो आराम से लिखते हैं वो और जो स्पीड में लिखते हैं वो, दोनों में फर्क दिखेगा। फर्क यही दिखेगा कि जिसमें आराम से लिखेंगे वो आपका दिखने में सुंदर लगेगा और जो फास्ट में लिखेंगे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शुरुआत में अगर हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है मेरे भाई, तो आप लोग कोशिश करें कि धीरे धीरे लिखें, ठीक है। जब हो जाएगा सही तो फिर लिखेंगे स्पीड में, जितना स्पीड हो उतना स्पीड में लिखेंगे। पॉइंट नंबर फाइव क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि लाइन वाले पेपर पर लिखें। देखिए शुरुआत में बच्चे जो है ना सादा पेज पर लिखना स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, सादा पेज पर नहीं लिखना। इससे क्या होगा ना कि देखिए ये एक लाइन में लिखा हुआ है ये पूरा, ठीक है, और आपके सामने जब लकीर रहेगा इस प्रकार से, लाइन वाली कॉपी रहेगी, तो उसमें आप लोग जैसे मान लीजिए कोई भी चीज लिखेंगे, राम, एकदम पूरा पूरा सटा के लिखना है राम, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है श्याम, तो उसके बाद लिखना है श्याम, इस प्रकार से लिखेंगे, पूरे लाइन को भर देना है। तो मेरे भाई, इससे क्या होगा, आपका लाइनिंग जो है ना, लिखने का तरीका एकदम सीधा होगा। कभी कभी देखते होंगे कि बच्चे ऐसे लिखते आते हैं, देखिए राम आम, ठीक है, खाता है, वो टेढ़ा हो जाता है। तो भाई टेढ़ा नहीं करना है, एकदम सीधा लिखना है। और सीधा कब लिखेंगे, लाइन वाले कॉपी पर, और वहां पर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप व्हाइट पेज पर जो सादा पेज है उस पर भी आप एकदम सीधा लिख लेंगे, ठीक है। यही एकदम तरीका है मेरे भाई। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये करो वो करे, कुछ नहीं होता है, ठीक है, हमने बताया ना कुछ नहीं होता है। ये जो तरीका है एकदम रियल है और यही जेन्यून तरीका है। और इस तरह से बहुत सारे बच्चे जो है ना अब हैंडराइटिंग को सुधार रहे हैं, ठीक है, ठीक ना। इससे पहले भी हम बहुत सारे बच्चे को बताए थे, लगभग 40 लाख प्लस बच्चे देखे थे, 50 लाख बच्चे देखे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अच्छा कर रहे थे इसलिए वो देख रहे थे, ठीक है। तो मेरे भाई, इससे भी आप लोग पूरा देख कर जाए। अगला देखिए क्या है कि हर अक्षर का आकार समान रखे। बिल्कुल दोस्तों, देखिए बच्चे जब शुरुआत में लिखते हैं तो उन्हें यही सब चीज नहीं पता रहता है कि अक्षर किस तरह से होना चाहिए। समान आकार का मतलब साइज, मतलब जो है ना समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं राम, तो राम में देखिए रा और म दोनों का आकार जो है ना, साइज जो है वो एकदम समान है। अब बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि राम ऐसे लिखते हैं, अभी ऐसे लिख देंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए स्टाइल से लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, तो उस तरह से नहीं करना है। जो भी लेटर देखिए, जैसे यहाँ पर अ है, क है और र है, ये सभी क्या है, समान, मतलब समान आकार में है। तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर सिक्स। उसके बाद है पॉइंट नंबर सेवन, मेरे भाई लिखते समय जो है ना ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल, देखिए जब आप लिख रहे हैं, आप 2 पेज लिख रहे हैं, 3 पेज लिख रहे हैं, 4 पेज लिख रहे हैं, उस समय आपका माइंड जो है ना अक्षर पे होना चाहिए और पेन पे होना चाहिए, ठीक है। इधर उधर भटक जाएगा तो फिर आप अपने अक्षर को नहीं सुधार सकते, आप अपने हैंडराइटिंग को नहीं सुंदर बना सकते हैं। लिखते समय एकदम माइंड आपका, माइंड और पेन और कॉपी तीनों एक जगह केंद्रित होना चाहिए, जिससे क्या हो कि जब भी आप लिखें तो आपका लिखावट में जो है कभी गड़बड़ी ना हो। क्योंकि अक्षर मान लीजिए कि आपका माइंड यहाँ है, हम बोल रहे राम जाता है, ठीक है, तो राम है, अब जाता भूल गए। अब जाता में मान लीजिए कि कभी कभी क्या होगा कि इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, कि राम जाता है, ठीक है, राम क्या है कि जाता है, तो ऐसे लिख देंगे, ध्यान दीजिए जाता है। अब फिर बाद में पता चलेगा कि अरे यार यहाँ तो गलत हो गया, क्या गलत हो गया, जा होगा, यहाँ जो लिख दिए, तो फिर थोड़ा इसमें जो ना कटखुट अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इस चीज पर ध्यान दें, एकदम माइंड को शांत करके करें। पॉइंट नंबर 8 क्या है, ध्यान दीजिए, अक्षरों के बीच जो है ना स्वर
डिस्टेंस जो है समान रखे, दूरी जो है एकदम समान रखना है। जैसे देखिए यहां पर समझिए, जैसे हमने ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए लाइन और वाले के बीच में देखिए कितना डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस यहां भी है, इतना ही डिस्टेंस यहां है, और यहाँ इतना ही डिस्टेंस यहां है। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं, कभी कभी मान लीजिए ये दोनों अक्षर थोड़ा सटा कर लिख देते हैं, फिर अगला अक्षर बहुत हटा देते हैं। भाई एकदम बीच की जो दूरी है ना, दो अक्षरों के बीच की जो दूरी है वो एकदम समान करें। और ये सब कुछ कब होगा, जब आप धीरे धीरे लिखेंगे ना तभी होगा। अगर स्पीड में लिखेंगे तो फिर आप फिर उसी तरह से एक यहाँ एक वहाँ फिर एक वहाँ, फिर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, एकदम कचरा लगेगा। ठीक है भाई, इसका जो है ना इफेक्ट हर एक टीचर पर भी पड़ता है, जो आपके कॉपी चेक करेंगे, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं और अगर आप कॉपी चेक कर रहे हैं, कोई एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं, तो भाई अच्छा हैंड राइटिंग नहीं रहेगा। आप क्या लिखें वो मैटर नहीं करता है, हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, तभी आपका जो है ना मार्क्स बेहतर दिया जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर 9 में है कि जब भी आप लोग बैठकर जब लिख रहे हो तो समय कुर्सी और टेबल पर बैठकर लिखें। देखिए भाई कुर्सी और टेबल पर बैठकर लिखने से आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सीधा रहता है, ठीक है, पोस्चर भी आपका जो है, कलाई जो है ये एकदम, मान लीजिए टूल पर लिखेंगे तो एकदम सीधा रहेगा, पेट पर लिखेंगे तो अभी आप अपने क्या करेंगे, कमर को ऐसे टेढ़ा कर लेंगे, और भाई इस तरह से लिखेंगे तो आपका हैंडराइटिंग नहीं बनेगा। इसलिए जब कभी भी आप हैंडराइटिंग बना रहे हैं या लिख रहे हैं तो आप हमेशा कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें, उस समय आपका बॉडी जो है ना एकदम सीधा रहता है। टूल पर बैठकर पढ़ें, टूल बेस्ट होता है, ठीक है, टूल पर बैठकर पढ़ने से क्या होगा कि कमर एकदम आपका जो है ना एकदम सीधा रहेगा, और आपका जो है हैंड जो है हाथ जिस हाथ से लिख रहे हैं, चाहे बायां हो दायां, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वहां पर बहुत अच्छे से आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई ये तरीका है। और हाँ लास्ट बात ये है, आपको कहेंगे कि एक आपके अंदर पॉजिटिव सोच भी होना चाहिए कि भाई हमें सीखना है, चाहे जो भी करना पड़े। आपको हम बता दें, जब हम लिख रहे थे तो शुरुआत में जैसे कुछ कुछ अक्षर है, कुछ कुछ अक्षर है, जैसे मान लीजिए लॉ, ये लॉ जो है ना हम इस तरह से लिखते हैं, लॉ इस प्रकार से हम लिखते हैं, आपको हम बता दें लॉ हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। और भाई ये लॉ पहले हम ऐसे नहीं लिखते थे, हम लॉ पहले ऐसे करके, अभी तो कैसे भी लिखते हैं तो वो सही मतलब दिखने में लगता है, पहले मेरा सही नहीं था ये जो है ना। कहीं पर जब हम लिखे हुए देखते थे तो हम हाथ पर जो है ना प्रैक्टिस करते थे कि कैसे कैसे घुमाया हुआ है, ठीक है, मतलब 4 बार 5 बार इस पूरे हाथ को जो है ना लिखते लिखते गंदा कर देते थे। तो ये सब चीज यूनिक चीज है, आप कोई कोई अक्षर जो है किसी का अच्छा लगता है तो आप उसका नकल करें, और नकल करेंगे ना कहते हैं नकल में ही अकल है, ठीक है, तो नकल करके भी सीख सकते हैं। नकल करने का मतलब हुआ किसी का कॉपी कर सकते हैं, और उस तरह से आप लोग लिखेंगे तो खूब अच्छा आपका हैंडराइटिंग बनेगा। और हाँ आपको बताए ना, एक पॉजिटिव सोच के साथ खुद पर विश्वास रखें कि हमें हैंडराइटिंग अच्छा करना है, जैसे हो वैसे करेंगे तो हो जाएगा, इसके लिए दिक्कत नहीं है। हाँ प्रैक्टिस करते रहिए, सारा कुछ बेहतर होगा। और जो तरीका बताएं, ये तरीका जितना भी तरीका है 9 से 10 तरीका, ये आप रेगुलर आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें और इसी तरह से आप लोग हैंडराइटिंग बनाएं, खूब अच्छा बन जाएगा, इस बात का गारंटी। आप 15 दिन आप लोग लिख लीजिए हमसे, 15 दिन कंटिन्यू आप करके देखिए, बहुत अच्छा आपका हैंडराइटिंग बनेगा। दोस्तों ये था हैंडराइटिंग सुधारने का, लिखावट सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका। भाई आप इस तरह से करें, बढ़िया हैंडराइटिंग बनेगा। क्लास अच्छा लगा हो, टिप्स अच्छा लगा हो, नॉलेज अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और एक जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में करके जाइएगा। मेरे भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।